गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम करेंगे पार्ट दो, दानी पेड़। तो दानी कौन होता है? दानी वो होता है जो किसी को कुछ दान दे, दान मतलब गिफ्ट करे, कुछ ना कुछ दे। तो पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, ये आप सबको पता है। तो दानी पेड़ जो ये स्टोरी है, ये हमें पेड़ों का महत्व समझाती है। पेड़ हमें क्या देते हैं? फल फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, पेड़ों से दवाइयाँ बनती हैं, पेड़ों से हम घर बनाते हैं। तो पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं और वे स्वयं खुद खुश रहते हैं। पेड़ हमारी पर्यावरण में हरियाली फैलाते हैं। पेड़ हम लोग लेकिन क्या करते हैं, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, अपनी लालच के लिए हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। आइए अब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। एक छोटा सा बच्चा, देखिए आप पिक्चर में, एक छोटा सा बच्चा उस पेड़ के नीचे आके खेलता था। वह उसे बहुत प्यार करता था, पेड़ जो था उस बच्चे से बहुत प्यार करता था। लड़का रोज़ पेड़ के पास आता, वह पेड़ के फूलों की माला बनाता, तो पेड़ के पे जो फूल लगते थे उनकी माला बनाता, फिर उसके तने पर चढ़ता। तना क्या होता है? तना होता है पेड़ की ट्रंक, ठीक है। उसकी शाखाओं पर झूला झूलता है, ब्रांचेज, शाखाएं क्या होती हैं, ब्रांचेज ऑफ ट्री, झूला झूलता, उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता, फिर वो लुका छिपी का खेल खेलता। लुका छिपी होता है हाइड एंड सीक, जो आप भी खेलते हैं। जब वह थक जाता तब पेड़ की छांव में सो जाता। छांव क्या होता है? छाया, शेड। तो पेड़ जहां भी होते हैं तो आपको पता है पेड़ों की छाया के नीचे हमें ठंडक महसूस होती है। तो गर्मी में पेड़ों के नीचे लोग सोए रहते हैं, या कोई ट्रैवलर्स होते हैं तो पेड़ों के नीचे आराम करते हैं। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया, अब टाइम गुजरता गया, लड़का बड़ा हो गया, वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता, पेड़ अकेला दुखी होता। लड़का एक दिन जब पेड़ के पास आया तब पेड़ बहुत खुश हुआ। वह बोला, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी शाखाओं पर झूलो, मेरी छाया में खेलो। अब पेड़ को लगा कि ये बच्चा वैसा ही है, तो ये उसी प्रकार से जैसे पहले खेलता था वैसे ही मेरे साथ खेलेगा। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब बड़े होके हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, हमें हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बदल जाती हैं। बचपन में हमारी ज़रूरत क्या होती है? खेल कूद की। तो बड़े होके हमें पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। बचपन में हम लोग इतना सब कुछ नहीं लेते, लेकिन जैसे ही बड़े होते जाते हैं तो हमें बहुत सा नई नई, जो हम लोगों को दिल में एक उमंग उठती है, एक मन करता है कि हमारे पास ये भी हो वो भी हो, तो लालच हमारी बढ़ती जाती है। बचपन जो है वो मासूम होता है, उसमें हम इतनी सारी विशेष नहीं रखते हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। पेड़ बेचारा पैसे कहाँ से लाता, बस फल है। तो पेड़ उससे कहता है कि मेरे पास फल हैं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का पेड़ के फल तोड़कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई वर्ष बाद वह युवक पेड़ के पास आया। अब लड़का फल तोड़कर ले गया और बाजार से उसने पैसे ले लिए फल बेचकर। अब पेड़ अभी भी खुश था, क्योंकि पेड़ क्या था? दानी था। वो दान करता था, दान करने में उसे खुशी होती थी, किसी को देने में उसे खुशी होती थी। तो कई वर्ष बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। अब वो थोड़ा जवान हो गया, तो वो पेड़ के पास आया। उसने पेड़ से कहा, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम चाहते हो तो मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना सकते हो। युवक पेड़ की सब शाखाएं काटकर ले गया, पेड़ का बस तना ही बचा रह गया। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पेड़ की सारी शाखाएं युवक ने काट ली और पेड़ का सिर्फ तना बचा, ट्रंक बचा। तो वो बाकी अपनी लालच के लिए पेड़ से ले गया। बहुत साल बीत गए, लेकिन पेड़ अब भी खुश था।
पेड़ का बस तना बचा रह गया, पेड़ अब भी खुश था क्योंकि वह दानी पेड़ था। बहुत साल बीत गए, लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया। अब वो मिडल इसमें आ गया, मिडल एज में आ गया, 40s में। तो अब लड़का 40s में आ गया, तो अब उसको क्या चाहिए था। एक दिन मैं पेड़ के पास आया और बोला मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। तो वो पेड़ से फिर मांगने आ गया और तो कहता है कि मुझे एक नाव चाहिए। पेड़ ने कहा नाव तो मेरे पास नहीं है, मेरा तना बचा है उसे काटकर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बना ली। पेड़ अब भी खुश था क्यों, क्योंकि वह दानी पेड़ था, दूसरों को देने में उसे खुशी होती थी। पेड़ का केवल ठूंठ बचा था। अब यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड है ठूंठ, ठ ठ के पर चंद्र बिंदु, नीचे ऊ और ठ, ठूंठ। ठूंठ होता है वो भाग पेड़ का जो रूट्स के ऊपर वाला भाग, जो धरती के ऊपर हो और उसके साथ रूट्स जुड़ी हो, तो वो वाला भाग, ऊपर से तना कट गया हो, तने और रूट्स के बीच का भाग। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया, पेड़ ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, खुशी के मारे उससे बोलते नहीं बन रहा था। पेड़ ने कहा बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है, मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रही जिनसे तुम लूटकर लटककर झूल सको। अब वो पेड़ उसे अब भी कुछ देना चाहता था क्योंकि वह उस बच्चे से बहुत प्यार करता था, जबकि वो अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन वह अब भी दानी पेड़ था, इसलिए वह उसे कुछ ना कुछ देना चाहता था। मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको, बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ। बूढ़े आदमी ने कहा तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल भी नहीं चबा सकता, अब मेरी उम्र शाखाओं से लटककर झूलने की भी नहीं रही, तने पर चढ़ने का, बैठने का और सुस्ताने के लिए एक अच्छा तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। कहता है अब मैं तने के ऊपर भी, ट्रंक के ऊपर भी नहीं चढ़ सकता क्योंकि मुझ में वो हिम्मत नहीं रही। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम में जो हिम्मत है वो थोड़ी कम होती जाती है। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उसे कहता है कि मुझे सुस्ताने के लिए थोड़ी जगह दे दो, तो फिर आ जाओ और बैठो, तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। तो पेड़ कहता है कि अब तुम कहाँ बैठोगे, मेरी ठूंठ पर, ठीक है। पेड़ ने कहा, बूढ़ा आदमी ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। तो ये किसने लिखी है, शेल सिल्वेस्टर की द गिविंग ट्री पर आधारित ये स्टोरी, शेल सिल्वेस्टर सिल्वेस्टराइन की द गिविंग ट्री पर आधारित ये स्टोरी है। तो ये इस कहानी से हमें क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है कि हमें पेड़ों को बचाना